केरला स्टोरी के बाद एक फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में आई जिसका नाम है 72 हूरें। इस फिल्म को लेकर शुरुआत से ही विवाद चल रहा था, लेकिन इसको पहले हरी झंडी दे दी गई थी, यानी कि इसको सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया था। लेकिन अब अचानक से सेंसर बोर्ड ने अपना ये फैसला बदला है। आज यानी कि 28 जून को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सेंसर बोर्ड ने ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। अब भला ऐसा क्यों, बताते हैं आपको इस वीडियो में। सेंसर बोर्ड ने मोस्ट अवेटेड फिल्म 72 हूरें के ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। सेंसर बोर्ड के इस फैसले ने हर किसी को हैरान किया, स्पेशली फिल्म के मेकर्स को, क्योंकि पहले सेंसर बोर्ड ही था जिसने इस फिल्म को सर्टिफिकेट दिया था, और अब अचानक से उसके ट्रेलर पर मना कर देना, सर्टिफिकेट देने से इनकार कर देना सच में काफी शॉकिंग है। फिलहाल बात करें 72 हूरें के मेकर्स की, तो भाई उनका कहना है कि वो इस मामले में हेल्प के लिए हायर अथॉरिटीज के पास जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के बारे में पहले बातें नहीं हुई हैं। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी काफी गुस्से में रिएक्ट करते हुए कहा कि वहां बैठे ये लोग कौन है, ये मामला बहुत गंभीर है। जिस फिल्म को सरकार ने नेशनल अवार्ड दिया, जिसे खूब सराहा गया, उसे सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? आपको बता दें, अशोक पंडित पहले से ही इस फिल्म के काफी फेवर में हैं, और यही वजह है कि उनका ट्विटर अकाउंट भी पहले सस्पेंड हुआ था। बात करें फिल्म की, तो फिल्म की कहानी आतंकवाद की काली दुनिया पर बेस्ड है। अब देखना यह है कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म के ट्रेलर पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल बात करें इसके रिलीज की, तो ये फिल्म अगले महीने 7 जुलाई को रिलीज होनी है।